यूक्रेन ने विनाशकारी क्लस्टर बम से कहां किया हमला। खार्किव में सैन्य डिपो पर किसने किया जोरदार अटैक। और रूस ने S-300 कैलिबर मिसाइल से कहां किया विध्वंसक हमला। विश्व विनाशक खबरों के लिए अब देखिए महायुद्ध टॉप 9। रूस यूक्रेन जंग में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे क्लस्टर बमों के विनाशकारी अंजाम सामने आने लगे हैं। बीती रात यूक्रेनी सेना की ओर से दागे गए क्लस्टर हथियारों की वजह से डोनेस्क यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स की बिल्डिंग तबाह हो गई। आग की लपटें दूर तक देखी गई। रूस नियंत्रित डोनेस्क से यूक्रेनी आर्मी के विस्फोटक अटैक का एक और वीडियो सामने आया। यूक्रेन परियाशी इलाकों में बमबारी के आरोप है। भीषण बमबारी से कई घर तबाह हो गए, कई लोगों के मारे जाने की भी सूचना है। रूस की आर्मी ने बीती रात खार्किव के कुप्यांस में जोरदार एयर स्ट्राइक की। रूसी सेना के अहम ठिकानों और गोला बारूद भंडार पर गाइडेड बमों से अटैक किए गए। ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले में कई आम नागरिकों की मौत का दावा किया। न्यूक्लियर खतरे के बावजूद ज़ेपोरिज़िया में रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे के ठिकानों पर मिसाइलों से हमले कर रही हैं। विध्वंस और विनाश की ये तस्वीरें स्टारो कॉन्स्टेंटिनोव से सामने आई है। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके में रूस ने स्कंदर और S-300 कैलिबर से ताबड़तोड़ अटैक किए। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने ब्लैक सी से हमले बढ़ा दिए हैं। बीती रात रूसी वॉरशिप से खार्किव, ज़ेपोरिज़िया और डोनेस्क में 16 कैलिबर मिसाइलें दागी गई। यूक्रेनी शहरों में बारूदी कहर बरपाने के लिए रूस ने एक और मिसाइल कैरियर उतारा है। डीपीआर रीजन में यूक्रेन की बैटल पोस्ट को तबाह करने के लिए रूस के अटैक हेलीकॉप्टर Mi-28 ने जोरदार शेलिंग की। दुश्मन की मिलिट्री पोजीशन पर सटीक निशाना लगाकर गाइडेड मिसाइलें दागी गई। रूसी सेना की स्ट्राइक में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। बाखमुट में यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के खिलाफ रूस की वायुसेना ने बड़ा एक्शन लिया। SU-25 से बमबारी कर रूस ने Zaytsevo में यूक्रेनी सेना के सबसे बड़े ईंधन डिपो को तबाह कर दिया। रूस की स्ट्राइक इतनी जबरदस्त थी कि विस्फोट के बाद पूरा इलाका दहल उठा। रूस के एयरबोन फोर्स के खूंखार सैनिक वॉर ट्रेनिंग के बाद यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में भेजे गए। 18 महीने से जारी भीषण युद्ध से अनुभव लेकर इन सैनिकों को तैयार किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि एयरबोन फोर्स की यूनिट किसी भी जंग का पासा पलटने में सक्षम है। बाखमुट के दक्षिणी छोर पर रूसी किलेबंदी को तोड़ने में यूक्रेनी एयरबोन ट्रूप कामयाब रहा। ग्राउंड फोर्स को यूक्रेनी आर्टिलरी ने पूरी मदद की और रूस की पहली डिफेंस लाइन तहस नहस कर दी गई।